ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की, जिनका जन्म तब हुआ जब मेवाड़ अफगान सेनापति शम्स खान के अधीन था। शम्स खान इस ताक में ही था कि राजपूत कुछ गुस्ताखी करें, और उसे ये मौका तब मिलता है जब कुंवर प्रताप और शक्ति कुछ गैरियां तोड़ने के लिए अफगानी खेमे में प्रवेश करते हैं। तभी शम्स खान तुरंत राणा उदय सिंह के दरबार में पहुंचकर उन्हें इस बात से आगाह करता है कि उन्हीं के दोनों बड़े बेटों ने छावनी में घुसपैठ करके अफगानी शर्तों को तोड़ा है। इस खबर से चौंक कर क्रोधित और अपमानित राणा उदय सिंह तुरंत कुंवर प्रताप और शक्ति को दरबार में आने का आदेश देते हैं। अब आगे कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति को दरबार में लाया जाए। अभी अभी दादा भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजराज सचमुच बहुत गुस्से में है। आप यहाँ से चले जाइए बाबूजीराज, अन्नदाता सचमुच बहुत गुस्से में है। देवीदास दादा, आप चिंता मत कीजिए। हमारी माता कहती है कि यदि गलती करो तो उसके परिणाम का भी सामना करो। इसीलिए हमने गलती की है तो उसके परिणाम का सामना तो हमें करना ही है। आप चिंता मत कीजिए। बताइए कुंवर, कौन दोषी है इस दुस्साहस का? उत्तर दीजिए। दोषी हम है दाजीराज, हमने इनके सैनिकों से लड़ाई की। कुंवर शक्ति आपके साथ क्या कर रहे थे? बोलिए ना राणा जी, जब आपके कुंवर कह रहे हैं कि यही थे तो ये सच ही बोल रहे होंगे। कुंवर शक्ति, आप जा सकते हैं यहाँ से। माशाल्लाह, ये तो बच्चे हैं यार। बच्चे हैं तो इनके लिए कोई मामूली सजा तजवीज करते हैं। आप तो भी बच्चे। बच्चे हैं हम, लेकिन फिर भी आपके सैनिकों को धूल चटाई है हमने। दया की भीख नहीं चाहिए हमें। जाइए और पूछिए अपने सैनिकों से हमारी ताकत के बारे में। कुंवर प्रताप, बड़ा तेज तर्रार बच्चा आपका। इसकी खुशकिस्मती देखिए कि आज हम पे बराख दिली का रंग चढ़ा है, तो इसकी सजा भी मामूली ही होगी। वो कहते हैं कि राजपूत लोग सर झुकाने से ज्यादा सर कटाना पसंद करते हैं। तो आपकी सजा भी है माफी। अपने घुटनों पे बैठकर हमारे सामने सर झुका के माफी मांगो। क्या? हाँ सुना नहीं, आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। नहीं बच्चे, अपने घुटनों पर बैठकर हमारे आगे सर झुका के माफी मांगो। चलो मांगो माफी।
चलो माफी मांगो। आपके आदेशों का पालन ना करने के लिए हमें क्षमा कीजिए दाजीराज। ये क्या मजाक है, क्या तमाशा हो रहा है ये? हमारी मासा ने हमें बताया है कि हम श्री राम के वंशज हैं। एक शुभाकु कुल श्रृंखला है हमारी। हमारे पूर्वजों ने भी कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, इसीलिए हम भी अपने कुल और वंश को अपमानित नहीं कर सकते। ये सर अपने गुरु ईश्वर और अपने माता पिता के सामने ही झुक सकता है। गौर प्रताप, आप जाइए यहां से। उदय सिंह, जो आज्ञा दाजीराज। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ राणा जी। बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। शमशान, हथियार नीचे। हमने कहा हथियार नीचे। तुम हमारे ही दरबार में हमी से माफी मांगने के लिए कह रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो शमशान कि हम एक राजपूत हैं। एक लिंग नाथ जी के सिवाय हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि तुम अपने मन में कुछ और भी सोच कर आए। बोलो शमशान, क्या चाहते हो तुम? आप जानते हैं हम आपके इतने मुरीद क्यों हैं? क्या बात बात पे सर कटा दूंगा कहने के बजाय पहले सोचते हैं। बिना फायदे नुकसान के आप एक बूंद खून तक नहीं बहाते, इसीलिए हम आपके इतने मुरीद हैं। अपनी आन बान और शान के लिए हम भी खून बहाने से नहीं डरते शमशान, लेकिन ये दरबार हमारे लिए एक मंदिर जैसा है, इसलिए हम तुम्हारे अशुद्ध खून से इसे अपवित्र नहीं करना चाहते। इससे पहले कि हमारा धैर्य छूटे, आपके बेटे के गुनाह की सजा के तौर पे सर न झुकाने की आपकी सजा यह है कि अब से मेवाड़ का सारा माल गुजारा आप नहीं हम वसूल करेंगे। और जैसे इस कमाई से आप हमें हमारा हिस्सा देते थे, ऐसी सारी वसूली के बाद आपको गुजारे के लिए आपका हिस्सा हम आपको देंगे। नहीं गौर प्रताप, नहीं। मंजूर है? हमें स्वीकार है। तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। सुनिए, अभी बात मुकम्मल कहाँ हुई हमारी? आप इसके अलावा एक काम कीजिए कि हमें
अच्छी सी नस्ल के 100 घोड़े और 50 हाथी भी दे दीजिए। और सुनिए, एक बार आपने बड़ी खूबसूरत सी मिर्जाई पहनी थी, वो जरी वाली कड़ी हुई मिर्जाई। ठीक है, और कुछ? हाँ, एक और चीज, जब आप इतने दयानतदार हो ही रहे हैं तो वो भी दे दीजिए, वो आपकी खानदानी, वो जो आपके इबादत गाह में रहती है, जिसे एक नजर देख के मर जाने को जी करता है, वो जो जिसे सीने से लगा कर मेरा मैदान जंग में उतरने का मन करता है, आपकी खानदानी तलवार, वो भी दे दीजिए। <एक और चा। laughs> उस तलवार को युद्ध के मैदान में तो ले जाना भूल जाओ शमशान, तुम उस तलवार को अपने इन दोनों हाथों से उठा तक नहीं सकते। हम तुम्हें यहां पर खुली चुनौती देते हैं कि तुम उस तलवार को इन हाथों से उठाकर दिखाओ। बोलो, करते हो स्वीकार ये चुनौती? आज नहीं, फिर कभी उठाएंगे जरूर, लेकिन माकूल मौके पर उठाएंगे, ये वादा रहा हमारा। वैसे आपका बेटा प्रताप बड़े कमाल की चीज है, किसी माकूल मौके और दस्तूर पर उससे मुलाकात जरूर करेंगे, भाई बड़ी कमाल की चीज है। कुंवर प्रताप, राणा जी बच्चे हैं। आपने जो अपराध किया है उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। राजीराज, शमशान को आपका इतना अपमान करने का साहस कैसे हुआ? अपने ही चित्तौड़ में हमारा कहीं भी आना जाना अपराध कैसे हुआ? शमशान हमसे हमारी मातृभूमि छीन ले तो कोई बात नहीं, और छोटी मासा के लिए हम अपनी ही मातृभूमि के पेड़ पर से कुछ कैरिया तोड़ ले तो वो अपराध? क्यों दाजीराज, ये राजपूत सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, लेकिन शमशान दरबार में मातृभूमि का अपमान करता रहा, फिर भी किसी राजपूत की तलवार उसे दंड देने के लिए नहीं मिली। आपको हमें दंड देना है दीजिए, किंतु वो न्याय कैसे हुआ दाजीराज? मातृभूमि और मान सम्मान को समझने के लिए अभी आप बहुत छोटे हैं कुंवर प्रताप। छावनी वाले इलाके में किसी के भी ना जाने के हमारे आदेश का उल्लंघन कर जो आपने अपराध किया है, उसके लिए अगर हमने आपको दंड नहीं दिया तो मेवाड़ की प्रजा पर राज करने का नैतिक अधिकार खो बैठे बैठे। जब तक आपको अपना अपराध समझ नहीं आता तब तक आप महल की काल कोठरी में बंदी के रूप में रहेंगे। राणा जी, दो दिन तक कुंवर प्रताप बंदी बनकर रहेंगे और उन्हें उतना ही भोजन और पानी दिया जाए जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक है। आज्ञा का पालन हो।
शमशान को आपका इतना अपमान करने का साहस कैसे हुआ? अपने ही चित्तौड़ में हमारा कहीं भी आना जाना अपराध कैसे हुआ? शमशान हमसे हमारी मातृभूमि छीन ले तो कोई बात नहीं, और छोटी मासा के लिए हम अपनी ही मातृभूमि के पेड़ पर से कुछ कैरिया तोड़ ले तो वो अपराध क्यों? दाजीराज, ये राजपूत सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, लेकिन शमशान दरबार में मातृभूमि का अपमान करता रहा, फिर भी किसी राजपूत की तलवार उसे दंड देने के लिए नहीं मिली। आपको हमें दंड देना है दीजिए, किंतु वो न्याय कैसे हुआ दाजीराज? महाराज रुक जाइए, यहां से चली जाइए भटियानी जी। महाराज, संभालिए स्वयं को, अपने आप को दंड देकर आप अपने शत्रु को ही लाभ पहुंचा रहे हैं महाराज। जानती हैं भटियानी जी, आज कुंवर प्रताप के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था हमारे पास, आज हमने उनकी आंखों में उनके पिता को पराजित होते देखा है। आप अच्छे तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप के मन में आपके लिए कितना सम्मान है, उनकी दृष्टि में आप मेवाड़ के सच्चे शूरवीर हैं, सपने देखते हैं वे आप जैसा बनने के, और बात रही उनके प्रश्नों की तो उनके हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास शीघ्र ही होगा महाराज। हमें अपने राणा जी पर पूरा विश्वास है। हुकुम, कुंवर प्रताप को दिए गए दंड को शिथिल करके आपके मन को शांति मिलेगी। कोई जाने चाहे ना जाने, हम जानते हैं कि जितनी पीड़ा कुंवर प्रताप को हो रही है उससे कहीं ज्यादा दुख आपको हो रहा है। नहीं भटियानी जी, जो दंड हमने कुंवर प्रताप को दिया है वो हम शिथिल नहीं करेंगे। हम एक राजा हैं, अगर हम पक्षपात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए कुंवर प्रताप जहां हैं उन्हें वहीं रहने दीजिए, और वो जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। चल 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 चलो। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं हुआ राणा जी। बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा, अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। आपको गुजारे के लिए आपका हिस्सा हम आपको देंगे। बाबूजी राज, आपका कारावास पूरा होता है। जय एकलिंग। जय एकलिंग। गणिक हमामा सा, दाजीराज ने जो किया उसका आपको दुख है प्रताप? मासा, दुख हमें दंड का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं दाजीराज हमारा बुरा कभी नहीं कर सकते। दुख हमें शेरशाह सूरी और शम्स खान के सामने जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया उसके लिए है। जब वे मेवाड़ के सच्चे वीर थे, जब वे मेवाड़ की भूमि के रक्षक थे, फिर भी शम्स खान दाजीराज के सामने घुसपैठी करता है और दाजीराज फिर भी चुप रह जाते हैं, उसे दंड देने के स्थान पर हमें बंदी बना देते हैं। दुख हमें इन्हीं बातों का है माता। यही विदेशी हमलावरों के सामने पराधीनता का सही अर्थ है प्रताप। जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हम उनके अधीन हैं। इसीलिए हमें लगता है माता कि मातृभूमि हमें बार बार स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है। आपने ही हमें वो कहा था ना मासा, राजपूतों के लिए पराधीनता में जीने का एक क्षण हजार बार मरने जैसा दुख होता है प्रताप।
आप सबने प्रताप री गली खमा। हमें क्षमा करें, क्षमा करें हमें, क्योंकि हम आपके पास एक प्रश्न लेकर आए हैं। आप सब चुप क्यों है? मासा से आपकी कथाएं सुन सुनकर ही हमें स्वतंत्रता और मातृभूमि का पाठ मिला है। आपकी वीर गाथाएं सुन सुनकर ही हमें स्वाभिमान का मतलब जाना है। और आज आप सबके होते हुए मेवाड़ पराधीन है। चित्तौड़ किले पर अफगान ध्वज लहरा रहा है। हमारी धरती पर, हमारे पेड़ पौधे पहाड़ों पर हमारा कोई अधिकार नहीं। शमशान दाजीराज का अपमान कर रहा है, फिर भी दाजीराज उसे अपने हाथी घोड़े दे रहे हैं, और आप सब ये सब देखकर भी चुप हैं। बताइए आज आप सब कब हमें अपना आशीष देकर कुछ करने योग्य बनाएंगे? कब हमें स्वतंत्रता का आशीर्वाद देंगे? ये तलवार, इस राजवंश का गौरव चिन्ह, आप सबका प्रतीक, कब इसे उठाने के लिए नियति हमारा चयन करेगी? अपनी राष्ट्रभूमि की सौगंध लेके प्रतिज्ञा करता हूँ, अपने सभी वीर पुरुषों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, अपनी धरती को पराधीन नहीं रहने दूंगा। ये हमारी मिट्टी है और इस मिट्टी पर किसी शत्रु का अधिकार नहीं होगा। आज से हमारी देश की स्वतंत्रता ही हमारा लक्ष्य है। शीघ्र ही यहाँ ऐसा दिन आएगा कि मेवाड़ का बच्चा बच्चा बिना किसी दंड के, बिना किसी भय के जहाँ चाहे आ जा सके। हमारे होते हुए शत्रु हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता, इसका स्वाभिमान कभी छीन नहीं पाएंगे। ये क्या कर दिया आपने? देखिए छोटी मासा, देख रही है ना आप, ये तलवार उठा ली है हमने। प्रताप, लगता है हमारी प्रार्थनाओं को पुरखों ने सुन लिया है। छोटी मासा, कुंवर प्रताप, तलवार नीचे रखिए। इसका मतलब अब हम मातृभूमि को गुलामियों की पेड़ियों से मुक्त करवाएंगे। जो सवाल हम सबसे बार बार पूछते थे, जो सवाल हमारी जुबान पे नहीं हमारी नसों में हर वक्त दौड़ते थे, उन सवालों को हमारे पुरखों ने सुन लिया है छोटी मासा। नहीं तो ये तलवार हमसे उठती ही कैसे? आज ये तलवार हमसे उठ गई है। इसका मतलब आज महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई का पुत्र कुंवर प्रताप को मेवाड़ के पुरखों ने मेवाड़ की रक्षा के लिए चुन लिया है। इसका मतलब यही है छोटी मासा। तलवार नीचे रखिए, कुंवर प्रताप, तलवार नीचे रखिए। प्रताप, हमने कहा तलवार नीचे रखिए।